जांजगीर चांपा जिले का सबसे बड़ा एसबीआई बैंक आज अपनी अव्यवस्था के चलते फिर से खबरों की सुर्खियों में छाया हुआ है। जहां आम जनता अपनी कड़ी मेहनत की कमाई का पैसा रखने के लिए बैंक का सहारा लेती है, ये सोचकर कि उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो बैंक में आकर सही समय पर अपना पैसा निकाल लेंगे, लेकिन आम जनता की यही सोच उन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जहां बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाता धारकों ने इस बैंक के बारे में बताया कि आए दिन यहां के कर्मचारी काम को सुचारू रूप से करने के बजाय पास पास का खेल खेलते रहते हैं, और जब हम सही समय पर बैंक जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी लंच या फिर कोई दूसरा बहाना करके 3 बजे के बाद आने को कहते हैं, जिससे हमें अपनी ही मेहनत की कमाई का पैसा लेने के लिए कई दिनों तक कड़ी धूप में बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर हम बात करें बैंक की व्यवस्था की तो यहां खाताधारकों को बैठने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई है, जिसके चलते बुजुर्गों और खाताधारकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या ये है कि यहां स्टेट बैंक के जांजगीर में पूरे अव्यवस्था है। हम लोग लाकर खुलवाए महिला के नाम से, यहां 2:15 बजे से आए हुए थे तो बोलते हैं अभी लंच करेंगे, लंच के लिए कितना टाइम लगेगा तो बोलते हैं 3 बजे आएंगे। मैं बोला 1.25 घंटे हम क्या करेंगे, किसके पास समय 1.25 घंटे के लिए। अब उसने बोलते तो कहते नहीं आपको जो करना करिए, उसके बाद वो लंच के लिए चला गया। जब हम जीएम को जाकर के यहाँ मैनेजर्स को जाकर के बोले तो मैनेजर फिर उनको डांटे, तब कहीं जाकर के लाकर को खोलने के लिए एग्री हुए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं सही ढंग से कोई काम नहीं कर रहे। पुराने जो कर्मचारी थे वो सब बढ़िया अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, वो लोग तो उत्सुकता था कि जो भी लोगों का काम है उसको करने के लिए उन लोगों के पास उत्सुकता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो कर्मचारी है इनके पास तो बिल्कुल अनमने ढंग से काम करते हैं। हम मुख्य मैनेजर के पास जाकर के हम बोला तो मुख्य मैनेजर फिर उनको फोन किया तब फिर जाकर के लाकर को खुलवाया, जबकि 1 मिनट करके लाकर को खोलने का टाइम है, इनके पास 1.5 घंटा बैठेंगे तब कहीं जाकर ये काम करेंगे, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था है। लगातार वार्ड का पार्षद होने के नाते लोग बाग गरीब लोग मेरे पास आते रहते हैं बैंक से जुड़ी समस्याएं लेकर के। इस बैंक में मैं बोलना चाहूँगा पिछले 6 महीनों से या साल भर से यह एक बहुत बड़ी समस्या ये है, पास कराना लोगों का खाता में पैसा है लेकिन उसके बाद भी उसको सही समय में उसके पैसे को ना मिल पाना है, बहुत बड़ी विडम्बना है। क्योंकि हम SBI को हेड ब्रांच मानते हैं और हेड ब्रांच मानने के नाते लोग बाग की समस्या आर्थिक समस्या रहता है, उसको तत्काल निराकरण करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी समस्याएं उसको बात करके उनकी क्या हो सकता है उसको विभागीय डॉक्यूमेंटल मांग करके करना चाहिए, लेकिन मुझे क्या लगता है यहाँ केवल पास पास का खेल चलता है। पिछले कुछ दिनों से मैं आ रहा हूँ, पिछले बकरीद से पहले मेरे वार्ड के एक महिला है जिसके खाते में लगभग 35 से 37 हज़ार रुपये है। उस बेचारी के एक गलती यह है कि उसने 2 खाता बना लिया, एक तो यहाँ मेन ब्रांच के, दूसरी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो कियोस्क शाखा उसमें उन्होंने खाता खोला। अभी के वर्तमान परिस्थिति में उनके घर के परिजन की तबीयत खराब है और उसको 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। पिछले कई दिनों से मैं स्वयं आया हूँ 2 बार से KYC कराने के लिए, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 4-4 बजे तक लाइन में लगे थे, उसके बाद भी आज तक KYC नहीं हुआ है। आज भी उनको ये परेशानी, खाता क्लोज कराना था, बेचारी बैठी हुई है और इसको मैं आया हूँ सुबह से भटक रहा हूँ। कुल मिलाकर के कहा जाए SBI ब्रांच में यहाँ के ब्रांच मैनेजर गायब रहते हैं। आज सुबह से मैं उनसे संपर्क करना चाहा, वहाँ के लोग बोले कि कहीं बाहर गए आ गए हैं, पता नहीं ये क्या सिस्टम है, पास पास का केवल खेल चल रहा है। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी स्थिति से रहेंगे तो SBI से लोगों का विश्वास उठेगा। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि यहाँ वृद्धों को ध्यान नहीं दिया जाता, विकलांगों को ध्यान नहीं दिया जाता। विकलांग आते हैं बाहर बैठे, मेरे सामने बैठी हुई है वृद्ध महिला, महंत से आई हुई हैं और उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ की व्यवस्था जो है प्रबंधन के हाथ से चरमराई हुई है। हम लोग जो है कस्टमर को जो है कोई कष्ट ना हो इस संबंध में हमने KYC के लिए अलग एक काउंटर रखा है, है ना। तो उसमें KYC लिंक करने में कई बार परेशानी ये आती है कि किसी ने जनधन में भी खाता खोला हुआ है और बैंक में भी खाता है, आधार लिंक केवल एक में ही होता है, इसलिए उसको बार बार आना पड़ता है, उसको एक जगह से डिलीट करके फिर दूसरे जगह उसको लगाना पड़ता है। उसके कारण कई बार कस्टमर को एक बार में नहीं होता, दूसरी बार आना पड़ता है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि कस्टमर की समस्या जल्दी से जल्दी समाधान हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। वृद्धजन के लिए हम तो ये यहाँ तक बोलते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो मेरे पास आके बैठे, मैं उनका काम करा दूंगा। सर जैसे कोई विकलांग है या फिर कोई मतलब ब्रांच के अंदर तक नहीं आता तो हम अपने स्टाफ को भेजते हैं कि बाहर जाके उनका सिग्नेचर वगैरह जो भी लेके वेरीफाई करके उनका काम कर दे, है ना, ताकि उनको जो है परेशानी ना हो। और हमारा ये प्रयास है
कि कस्टमर जो है हमसे खुश रहे, उसी संबंध में हम काम करते हैं। TCP 24 न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।